फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल यमी जोन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मजेदार रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े लहसुन। मैं इसे आप एक ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूंगी, इसे एक फाइन प्यूरी बनाऊंगी इसका। आप देख सकते हो मैंने सारे धनिया के पत्ते और लहसुन को ग्राइंडर में डाल ली हूँ। आप इसमें मिर्च भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसे बच्चों के लिए बनाया है तो इसमें मैं मिर्च नहीं डाल रही हूँ। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ज्यादा पानी ऐड ना करें। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। इसे अब मैं ग्राइंड कर लूंगी और एक फाइन प्यूरी बना लूंगी। मैंने इसे एक फाइन प्यूरी बना लिया है। अब मैं लूंगी आटा। मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया है। इसमें थोड़ा मैदा ऐड कर रही हूँ, 1 कटोरी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा मंगरेला, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। मैंने मैदा ऐड किया है, इसके लिए मैं ऐड करूंगी इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल। मैदा ऐड करने के बाद ऑयल ऐड करना बहुत ही जरूरी है, वरना ये होता है ना खास्ता नहीं बनता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसमें मैं ऐड करूंगी स्वाद के अनुसार नमक। ध्यान रखे मैंने जो धनिया बनाया है ना चटनी, उसमें भी मैंने डाला है नमक, तो इसमें थोड़ा कम ही डालूंगी। अब मैं इसमें जो धनिया का चटनी बना के रखा था उस सारे को ऐड कर दूंगी मैं इसमें। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, ये काफी अच्छा लगता है, मुझे तो काफी अच्छा लगता है ये। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं जार में थोड़ा पानी डाल के इसे डाल रही हूँ सारा, ताकि हमारे जो सारे चटनी है ना वो अच्छे से यूज हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा पानी और इसको चपाती बनाते हो वैसे एक सॉफ्ट डो बना ले अच्छे से मिक्स करके। देख सकते हो मैंने इसे एक सॉफ्ट डो बना लिया। इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दूंगी। मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें ऑयल डाल के हमारा आटे को 10 से 15 मिनट रेस्ट में रखे हुए हो गया। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूंगी। देख सकते हो मैं इसे अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। मैश करने से होता है क्या ना, ये काफी सॉफ्ट हो जाता है, और या आप बनाओ पूड़ी या चपाती, ये काफी अच्छे बनते हैं फुले फुले से। मैं पीछे की हथेलियों से ऐसे करके मैश कर रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट बन जाए। मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया। अब मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी इसका और इसे पूड़ी शेप में बेलूंगी। इसे ऑयल से ही बेले, आटा से बेलने से क्या होता है ना ऑयल में काफी गंदा आ जाता है तलने के टाइम पे। मैं इसमें ऑयल लगा के हल्के हाथों से छोटे छोटे पूड़ी बनाते हैं ना वैसे छोटे छोटे शेप बना लूंगी। देख सकते हो मैं इसे हल्के हाथों से बेल ले रही हूँ। इसी तरह से सारे आटे को पूड़ी का शेप लगा ले। आप देख सकते हो मैंने सारे पूड़ी को ऐसे ही बेल लिया है। मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, मैं चेक करूंगी इसे। थोड़े से आटे के टुकड़े डाला मैंने, देख सकते हो ये ऊपर आके इसमें बुलबुला आ रहा है, यानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पूड़ी। इसे दबाते हुए अच्छे से पका ले। देख सकते हो ये कितने अच्छे फुले फुले से बन रहे हैं। इसी तरह से सारे पूड़ी को पका ले। बच्चों को आप ऐसे रेसिपी जरूर बना के देना है, बच्चे काफी पसंद करते हैं इसे, वो तो काफी एंजॉय करते हैं। हमें कलरफुल पूड़ी मिला है, क्या है कि बहुत ही अच्छे से खाते हैं इसे। सिवा आने से सब्जियां भी थोड़ा खा लेते हैं बच्चे। आप देख सकते हो मैंने इसे सारे तल ली हूँ अच्छे से, कितना अच्छा सा लग रहा है ये। मैंने इसे सर्व किया है दूध वाले पीठे के साथ। अगर आपको दूध वाले पीठे की रेसिपी चाहिए
तो आप हमारे चैनल में जाके इसे देख सकते हो। ओह।